राजनीति और नैतिकता का वो रिश्ता है जो सांप और नेवले का है, जो हिरन और शेर का है, और जो कसाई और मेमने का है। ऐसे बढ़िया बढ़िया डायलॉग के साथ मैंने अभी खत्म करी महारानी वेब सीरीज का सीजन 3, जो एक्सपेक्टेड था आज 7 मार्च को रिलीज होने का, बट वो एक दिन पहले, 5-6-8 घंटे पहले उन्होंने रिलीज कर दिया। और मैंने देख भी डाला, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना रिव्यू और अपना व्यू। क्या आप लोगों को अपना टाइम इन्वेस्ट करके सीजन 3 देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ उसमें अच्छा था, क्या कुछ उसमें अच्छा नहीं था, क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। क्विक रिकैप, सीजन 2 के एंड में हम देखते हैं कि रानी भारती अपने पति यानी भीमा भारती के मर्डर के चक्कर के अंदर जेल के अंदर जाती है। अब सीजन 3 स्टार्ट इस बात से होता है कि वो जेल के अंदर है, 3 साल उन्होंने अपने जेल के अंदर निकाल दिए और वहां पे वो पढ़ाई कर रही है अपनी। और ऑन दी अदर एंड जो नवीन कुमार है यानी अमित सियाल, वो वहां पे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार के। अब इसके आगे की कहानी पूरे वेब सीरीज के 8 एपिसोड के अंदर, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, कौन किसको फंसाता है, नवीन कुमार कैसे एलिगेशन से बचते हैं, एमएलए कौन किसको काट रहा है और कौन किसको धोखा दे रहा है, इन सब पे बेस्ड है। कुछ एक पार्ट्स वेब सीरीज के हर एपिसोड के इंटरेस्टिंग है, जैसे इलीगल लीकर सेल को दिखाना, धोखाधड़ी आपस में कैसे होती है, रियल पॉलिटिक्स कैसे चलती है, इनसाइडर पॉलिटिक्स कैसे चलती हैं, ये सब चीजें आपको देखने में सीजन 3 के मजा आ सकता है इन पार्ट्स। बट सीजन 3 की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी स्टोरी में कुछ खास सस्पेंस और मिस्ट्री नहीं है जो सीजन 1 और सीजन 2 में था। सीजन 1 और सीजन 2 में रानी भारती यानी हुमा कुरैशी को दिखाया ही, हाईलाइट ही इस तरीके से किया गया था कि हमें एज अ ऑडियंस एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जब एक औरत सच के लिए आवाज उठाती है तो वो देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा था। यहाँ पे रानी भारती, हुमा कुरैशी सिर्फ एक कैमियो के रोल में है, मतलब कुछ एक एपिसोड्स तो बीच में ऐसे हैं जहां पे उनका 1-2-5 मिनट का रोल भी नहीं है, और बाकी के एपिसोड्स में भी वो कुछ एक जगह ऐसी हैं कि जहां पे आपको 10 मिनट के रोल के लिए आएंगी, फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर 5 मिनट के लिए रोल के आएंगी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सुभाष कपूर ने इतनी वेल नोन, इतनी वेल अप्रिशिएटेड वेब सीरीज में इतने मेन प्रोटैगनिस्ट करेक्टर को वो भूल के वो बाकी सारे करेक्टर्स पे अपना ध्यान दे रहे थे। अमित सियाल का करेक्टर भी अच्छा वर्क किया हुआ है, पर वो भी इतना जबरदस्त नहीं है। वो पूरा टाइम वेब सीरीज में सिर्फ इस एलिगेशन को ही झेलते रहते हैं जो उनपे रानी भारती लगा रही है जेल के अंदर से बैठे हुए। वेब सीरीज के सब पार्ट्स, सब प्लॉट्स यानी पैरेलल प्लॉट्स, जैसे उनके इंटरनल, रानी भारती के इंटरनल फैमिली अफेयर्स, वहां पे जहां बच्चे उनसे नाराज हैं, उन पे अटैक हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं जगाते किसी भी एपिसोड के अंदर। उसके बाद जो इलीगल शराब का जो इन्होंने सेल दिखाया है वो इतना ड्रैग्ड लगा, और लास्ट में एक 7वें एपिसोड में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, बट वहां तक पहुंचते पहुंचते भाई मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 कहाँ पे एंड हुआ था, मुझे क्या उम्मीद थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था रानी भारती वो प्रधानमंत्री वाले मतलब डायरेक्शन में स्टोरी को लेके जाएंगे और ये ग्रैंड ग्रैंड बनती जाएगी। कुछ भी समझ नहीं आया कि सुभाष कपूर के पास स्क्रिप्ट नहीं थी या क्या नहीं था। अच्छी चीजें ये हैं कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा इंटरनल, तो आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका बिल्कुल ही टाइम खराब होगा और आप इसे मत देखो, पर मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं भाई, अगर सीजन 2 से आपको बहुत एक्सपेक्टेशन थी ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को 70-80% नीचे रख के इसको सीजन 3 को देखना, निराश होना आपका तय है, क्योंकि मैं भी हूं। मैं अभी इसको देता हूं 5 में से 3 आधा स्टार इसलिए बढ़ा देता हूं क्योंकि भाई प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, डायरेक्शन का तरीका ठीक है, स्टोरी इनके पास कुछ नहीं थी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, देवेंदु भट्टाचार्य का स्पेशल मेंशन और गौरी शंकर साहब का स्पेशल मेंशन, अमित सियाल का काम ठीक है, हुमा कुरैशी को इम्पैक्टफुल है लेकिन दिखाया ही नहीं है, जिसके लिए आप पूरी चला रहे हो वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 में, वो लड़की ही मिसिंग है, तो मतलब मैं इसके आगे तो क्या ही बोलूं। देख लेना, मिस ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मिस कर दोगे, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ सेटिस्फैक्ट्री नोट में एंड करोगे। सीजन 3 एवरेज या थम्स डाउन फ्रॉम माय साइड, बाकी आप देख लो। टेक केयर, बाय बाय।